6 फरवरी दिन था मंगलवार का। रोज की तरह आज भी हरदा की पटाखा फैक्ट्री में लोग अनहोनी से अनजान होकर काम कर रहे थे। कुछ कर्मचारी महिलाएं अपने साथ अपने बच्चों को भी लाई थी। फिजा में बारूद की महक थी जो पलक झपकते ही तबाही में बदल गई। आसमान को छूती हुई आंख की लपटों ने कई मासूमों को अपने आगोश में ले लिया। आसपास के घर की दीवारें तिनकों की तरह हवा में उड़ने लगी। चारों ओर बस मौत का मंजर बन गया। लेकिन तबाही का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही और गलती से 6 फरवरी को पूरा हरदा दहल उठा? आइए विस्तार से जानते हैं। हरदा में अभी तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो आगे बढ़ भी सकती है। वहीं घायलों की संख्या 200 के करीब है। बारूद में आग लगने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, इसलिए पटाखा फैक्ट्री में लाइसेंस मिलने के बाद भी कई सेफ्टी नियमों के अनुसार फैक्ट्री का संचालन करना होता है। तो सवाल ये उठता है कि हरदा में मौजूद इस फैक्ट्री में अगर लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद इस हादसे की परतें खुलती जा रही है। राजेश अग्रवाल की पटाखा फैक्ट्री में जो भीषण हादसा हुआ है वो 5 खामियों की वजह से हुआ है। इन लापरवाहियों में पटाखा फैक्ट्री में क्षमता से अधिक मात्रा में बारूद रखना एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा फैक्ट्री में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इतना बड़ा कारोबार चल रहा था और इन छोटी छोटी लापरवाहियों से एक बड़े हादसे ने जन्म ले लिया। इस पटाखा फैक्ट्री से लगी रहवासियों की एक कॉलोनी भी बनी है जहां लोग रहते हैं। इनको पीएम आवास भी सरकार द्वारा दिया गया था। जो मजदूर यहां काम करने आते थे उनके पास कोई भी किट नहीं थी। मजदूर जो कपड़ा पहनकर आते थे उसी को पहनकर पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर वाटर टैंक होना था, लेकिन उसकी यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। नर्मदापुरम कमिश्नर पवन कुमार शर्मा के मुताबिक जहां हरदा के बेरागढ़ में विस्फोट की घटना हुई वहां के लिए अग्रवाल बंधुओं के पास 2 राज्य सरकार और 2 जिला मुख्यालय यानी कि मिलाकर कुल 4 लाइसेंस थे। इनमें राज्य सरकार 300 किलोग्राम और जिला कलेक्ट्रेट 15 किलोग्राम का लाइसेंस देते हैं। बताया जा रहा है कि साल 2022 में हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अग्रवाल बंधुओं की पटाखा फैक्ट्री का 15 किलोग्राम का एक लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसके बाद स्टे मिलने के बाद संभाग कमिश्नर माल सिंह ने कलेक्टर को सुनवाई करके निराकरण की बात कही थी, लेकिन एक और लाइसेंस निलंबित कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी 300-300 किलोग्राम के लाइसेंस फैक्ट्री मालिकों के पास थे। बताया जाता है कि फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल आसपास के लोगों को बारूद देकर पटाखे बनवाने का काम करता था। साल 2015 में एक खेत में 3,000 रुपए महीने किराए पर उसने गोदाम लेकर पटाखे बनाने का काम शुरू किया था। तब हादसे में 2 जाने गई थी। इस मामले में साल 2021 में अग्रवाल को 10 साल की सजा हुई थी, पर हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई। फैक्ट्री फिर चलने लगी थी। तत्कालीन हरदा SDM श्रुति अग्रवाल के अनुसार सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने पर उन्होंने जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था। कलेक्टर ऋषि अग्रवाल ने फैक्ट्री को सील करने के आदेश दे दिए थे। इस मामले में हरदा SDM केसी परते का कहना है कि तत्कालीन संभायुक्त माल सिंह ने अगली सुनवाई तक के लिए राजेश को स्टे दे दिया था, लेकिन उसने फैक्ट्री फिर खोल ली। 6 फरवरी यानी कि हादसे की रात अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालक राजीव अग्रवाल और उसके बेटे को वेन्यू कार से सारंगपुर में गिरफ्तार किया गया। आरोपी हादसे के बाद फरार हो गए थे। राजेश अग्रवाल उज्जैन से दिल्ली के लिए निकला था, साथ ही सोमेश अग्रवाल भी था जो वाहन में सवार था और मध्य प्रदेश छोड़ दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था। इस हादसे के बाद विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और जीतू पटवारी ने अपने बयान में कहा कि बारूद माफिया MP में काम कर रहा है, यह सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं
गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो आप, अलग अलग तरीके से राशन देके गरीब का वोट लेने की कोशिश करो आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है, ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शेम, शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत है उनको 25,000 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करें, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा और उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है उसके परिवार जनों को 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां दो दो मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करने आती थी तो साथ लाती थी, कितने सुहा हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। इस भयानक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है कि कौन कितना जिम्मेदार है। फैक्ट्री संचालक जो अपने निजी लालच में कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेल रहा था, प्रशासन जिसकी लापरवाही से ये जानलेवा अवैध फैक्ट्री बड़े आसानी से काम कर पा रही थी, या शासन जिसके कार्यकाल में कोई आरोपी किसी अवैध कार्य को इतने आसानी से अंजाम दे सकता है। पूर्व हरदा विधायक कमल पटेल ने रामकिशोर दोगने के संरक्षण में फैक्ट्री के चलने का आरोप लगाया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, हमने भी मांग की थी कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए जो भी दोषी है, और उनके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और जो कांग्रेस आरोप लगाती है इसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई हाथ नहीं है, ये कांग्रेस के पदाधिकारी है, मुन्ना पटेल पार्षद है, उसका भाई है, इसमें पार्टनर है, पिपल पानी में उसकी फैक्ट्री में राजू अग्रवाल के, राजू अग्रवाल के साथ है, डॉक्टर आर के डोगने के साथी है, और इसे फोटो भी दिया गया जिसमें स्वागत करके चुनाव में इनने उनका काम किया है, तो ये हमारे कैसे हो सकते हैं। और इसलिए हमने तो पहले इन पर सजा कराई है 10-10 साल की, इनके खिलाफ FIR करवाई है, इनके वैसे निरस्त किए गए हैं, इनकी सील की गई है, लेकिन कमिश्नर कोर्ट से उन्होंने इस पर लेके आए थे। उसके बाद हरदा के मौजूदा कांग्रेस विधायक राम किशोर दोगने गुरुवार को गले में सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और घटना का जिम्मेदार मौजूदा भाजपा सरकार और प्रशासन को बताया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, 20 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई, वहां के नेता, वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की, कलेक्टर SP क्या कर रहे थे, कमिश्नर क्या कर रहे थे, वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था जिस थाने में है, सब पे कार्रवाई होना चाहिए और FIR होना चाहिए इनके ऊपर, थाने पे भी FIR होना चाहिए, थाने के पास में ही फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशियंट नहीं, ट्रांसफर करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं, जीवन खत्म हो गया, कई के पिताजी चले गए, किसी का लड़का चला गया, कोई बूढ़ी माँ बची है, तो इस सबको मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए, 4 लाख में होगा क्या। हरदा हादसे में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात राज्य सरकार ने कही और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। विपक्ष का कहना है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ पूरे प्रदेश से ये आवाजें उठ रही है कि मामले में आरोपियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई दूसरा इस तरह की फैक्ट्री संचालन करने के बारे में सोचे तक नहीं। हरदा हादसे के बाद वही हुआ जो होता है, पूरे प्रदेश का प्रशासन एक्शन में दिखाई दिया। इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई शहरों में अवैध पटाखा गोदामों और दुकानों पर जांच की गई और कुछ पर कार्रवाई करते हुए ताला भी लगा दिया गया। लेकिन अगर हमारा शासन प्रशासन हादसों के बाद ही जागता है तो हमें 9 साल पहले पेटलावद पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद ही जाग जाना चाहिए था, जिसमें लगभग 80 लोगों की जान गई थी।
उम्मीद करते हैं कि हरदा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और हमारा समाज ऐसे हादसों से सुरक्षित रह सकेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इसी तरह की और क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ।